वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी दुर्लभ और चमत्कारी औषधि लेकर आए हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। यह अद्भुत जड़ी बूटी पूरे भारत में पाई जाती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी औषधि गुण से भरी है। कई सारे खतरनाक रोग को यह हमारे शरीर से बहुत ही आसानी से ख़त्म करती है। यह सोनामुखी का पौधा है। सोनामुखी का पौधा 1 से 4 फीट लंबा होता है और इसमें पीले कलर के फूल लगते हैं। इसकी पत्तियां नोकीदार होती हैं। यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और चमत्कारी औषधि है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सोनामुखी पौधे के आयुर्वेदिक औषधीय गुणों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, भूख लगने की शिकायत। अगर जिनको भूख लगने की शिकायत है, जिन्हें भूख नहीं लगती है, तो उनके लिए यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन्हें सबसे पहले सोनामुखी के बीजों को लें। सोनामुखी के बीज, अगर आपके आसपास सोनामुखी का पौधा नहीं है, तो आप आयुर्वेदिक स्टोर से सोनामुखी के बीजों को लें और इसे भिगाकर शाम को भिगाएं और सुबह इसे छानकर खा जाएं। आप इसे दोस्तों मिश्री के साथ भी खा सकते हैं, अगर जिन्हें इसका स्वाद अच्छा ना लगे। यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और चमत्कारी औषधि है। दोस्तों, यह सूजन, अगर जिन्हें सूजन की समस्या है, अगर किसी भी प्रकार की सूजन हो जाती है शरीर में कहीं पर भी, तो आप सोनामुखी के पत्तियों को पीसकर लेप बनाएं और इसे राई के तेल में गर्म करके बांध दें। आप इसमें प्याज भी मिला सकते हैं। प्याज और हल्दी मिलाएं और लेप बनाकर लगा दें। इससे आपकी सूजन की समस्या बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी। यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और चमत्कारी औषधि है। दोस्तों, यह आँखों की ज्योति, अगर जिन्हें आँखों की कमजोरी है, आँखों से कम दिखाई देता है, दूर की नज़र कमज़ोर है या पास की नज़र कमज़ोर है, या आँखों में चुभन दर्द होता है, या आँखों में लाली आ जाती है, अगर किसी को भी कोई भी आँखों की समस्या है, तो यह आँखों के लिए अमृत के समान है। मात्र आपको इसकी नरम पत्तियों को लें और इसे पीसकर इसका रस निकाल लें और इस रस का प्रतिदिन आप 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। 5 ग्राम शाम को, 5 ग्राम सुबह। आपकी आँखों की ज्योति मात्र 1 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएगी। आँखों की समस्या खत्म हो जाएगी। जिन्हें चश्मा लगा हुआ है, वह अगर इनका उपयोग करते हैं, तो उनका चश्मा उतर जाएगा। यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और चमत्कारी औषधि है। दोस्तों, यह त्वचा रोग, अगर जिन्हें त्वचा रोग की समस्या है, जैसे दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, खसरा की समस्या है, चेहरे पर कील मुहासों की समस्या है, तो उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उनके लिए आपको सबसे पहले इसकी पत्तियों को पीस लें और उसमें आपको दोस्तों हल्दी मिलाकर अपने दाद, खाज, खुजली वाले जगह पर इस लेप को लगाएं। मात्र 1 दिन में दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, कील, मुहासे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। यह इतना पावरफुल है। दोस्तों, यह पेट के लिए आपके पेट की समस्या को ख़त्म करता है। अगर आपके पेट में कब्ज की समस्या रहती है, आपके पेट में गैस बनती है, आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह आपके रक्त को शुद्ध करता है। अगर आपके रक्त में किसी भी प्रकार की कमी है, तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे देगा। यह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, अगर जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, जो बहुत ही जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आपको सबसे पहले इस पूरे पेड़ की
दोस्तों इस पौधे की पूरे पंचांग को लें, आप इसकी पत्तियों को लें, इसके फूलों को, इसके बीजों को, और दोस्तों आपको इसकी छाल को लें, और आपको इसकी जड़ों को ले लेना है। सारे चीज़ों को मिलाकर आपको इसका पीस कर दोस्तों इसे छाया में सुखाएं और पीस कर इसका पाउडर कर लें। इसका पाउडर करके प्रतिदिन सेवन करें, आपकी यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई सवाल है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।